तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे सामने देख रहे हो, हमारे पास अभी दो हेडफोन्स है। पहले तो है बोट 550 एंड दूसरा जो है बोट 510। आपने बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि इस दोनों को जो है कंपेयर करें, तो आज इसी वीडियो में यही करेंगे, यही टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। और जल्दी से फटाफट से देख लेते हैं कि क्या क्या खासियत है और इन दोनों में से आपके लिए बेहतरीन कौन सा हो सकता है। पहले जो है पॉइंट ले लेते हैं, वो है बिल्ड क्वालिटी एंड लुक के बारे में। अगर क्लोजली आप यहाँ पे देखोगे तो आपको आराम से समझ में आएगा कि सबसे बेहतरीन कौन सा दिखता है। ऑफ कोर्स आपको बोट 550 जो है वो बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। एक लुक में, एस्थेटिक में अगर आप बात करोगे, एक डिजाइन में बात करोगे, तो भाई इससे बेहतरीन हेडफोन बोट के एक कैटेगरी में कोई भी नहीं है। ये काफ़ी बढ़िया लगता है एंड इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट वराइटीज़ आते हैं। आप वो चूज़ कर सकते हो और आप एक बेहतरीन हेडफोन वहाँ पे डिज़ाइन के मामले में इसको परचेस कर सकते हो। और ये भी आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल लुक है। यहाँ पे आपको कोई भी अटपटा कलर नहीं दिखा। एक सिंपल लुक वाला अगर आपको हेडफोन चाहिए तो भाई ये ले सकते हो। थोड़ा सा बड़ा लगता है, हेवी लगता है, लेकिन डिज़ाइन के मामले में भाई इसको कोई भी बीट नहीं कर सकता इसके। अगर हम यहाँ पे मटेरियल के बारे में बात करें, दोनों के दोनों हेडफोन जो है आपको पूरी तरीके से प्लास्टिक से दिखाई देंगे। किसी भी में आपको मेटल वगैरह नहीं दिखाई देगा, दोनों में दोनों जो है प्लास्टिक से बनाए गए हैं। अगर हम प्लास्टिक के क्वालिटी के बारे में बात करें तो हाँ, दोनों में सेम प्लास्टिक यूज़ किया गया है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा डेलिकेट है। अगर इसके ऊपर डायरेक्टली बैठ जाओगे या फिर बहुत अच्छे से यूज़ नहीं करोगे तो भाई ये टूट जाएगा। लेकिन ये आप देख रहे हो पूरा का पूरा प्लास्टिक से बनाया, थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक मुझे तो यहाँ पे लग रहा है। काफ़ी बढ़िया प्लास्टिक है और जल्दी से जल्दी ये नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मूवमेंट कहीं पे नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर आप बोट 550 देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये जो है, ये जो मूवमेंट है यहाँ पे, ये एक्चुअली जो है यहाँ से ये टूट सकता है। यही एक मेन दिक्कत है। तो इस हेडफोन का कुशन देखने जाए तो कुशन जो है वो काफ़ी बढ़िया दिया गया है, बट अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे बोट 550 के साथ तो भाई यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि ये जो आप कुशन देख रहे हो बहुत ही बड़े हैं एंड उसके साथ साथ ये कुशन जो है सॉफ्ट है, काफ़ी सॉफ्ट है। लेकिन ये जो कुशन आपको बोट 510 में मिलता है थोड़े से हार्ड है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा बहुत ही ज़्यादा बुरा है, लेकिन हार्ड है। तो अगर आप यूज़ करोगे बहुत देर तक, मतलब एक 3-4 घंटे लगातार इसको पहनोगे, तो आपको वो फील होगा कि ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है आपके ऊपर। लेकिन ये काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत सारे, मतलब एक 3-4 घंटे आप आराम से इसको पहन सकते हो। आपको वो फील जो है, वो सॉफ्टनेस जो है, वो अच्छी तरीके से यहाँ पे फील होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और अगर हम फिट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो ये जो है, ये ईयर कप्स काफ़ी बड़े, इतने बड़े हैं कि आपका पूरा का पूरा ईयर जो है वो आसानी से आप यहाँ पे कवर हो जाएगा। आपका अगर बड़ा भी होगा ईयर तो भी आराम से यहाँ पे आ जाएगा। काफ़ी अच्छे तरीके से फिट है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत ही हल्का है तो इसके वजह से होगा कि आप बहुत देर तक इसको पहन के रख सकते हो। लेकिन एक दिक्कत इसमें ये है कि एक तो इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है ईयर कप्स में, यहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट है, तो उसके वजह से होता क्या है, आपका ईयर की जो भी पोजीशंस है वो आसानी से यहाँ पे ले लेता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, ये जो ईयर कप है ये इतना भी बड़ा नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। तो अगर आपका ईयर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो डेफिनेटली ये आपकी ईयर के ऊपर आ जाएगा, और छोटे ईयर्स हो गए तो यहाँ पे आसानी से इसके अंदर आ जाएंगे। लेकिन थोड़े से छोटे ईयर कप्स है, और जैसे मैंने बताया ये जो ईयर कप्स का जो मटेरियल है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, तो थोड़ी देर के बाद आपको वो फील होगा कि इसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस कम है। तो अभी जो है मेन बात कर लेते हैं यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्योंकि दोनों में आपको सिर्फ स्पेसिफिकेशंस के ऊपर एंड म्यूजिक क्वालिटी के ऊपर थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखाई देगा। तो अगर हम स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें, पहले तो हम बात करते हैं बोट 550 के बारे में। तो ये जो है ब्लूटूथ 5.0 के साथ आता है एंड बोट 510 जो है वो आपको ब्लूटूथ 4.1 के सपोर्ट के साथ आता है। तो डेफिनेटली आपको कनेक्टिविटी में वो डिफरेंट जो है वो फील होगा। एंड अगर हम रेंज के बारे में बात करें, 10 मीटर की रेंज मिलती है। ब्लूटूथ 5.0 की वजह से जो है आपको जो 10 मीटर की रेंज दी गई है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें भी इतनी नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे आप 10 मीटर की रेंज के बाहर जाते हो वहां पे आपको कंजेशन देखने को मिलता है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिए। उसके साथ अगर हम बात करें बैटरी के बारे में, तो बोट 550 में आपको 500 mAh की बैटरी मिलती है, और इसमें जो है बोट 510 में आपको 400 mAh की बैटरी मिलती है। तो बैटरी में ऊपर नीचे तो है। Amazon के ऊपर जो है बोट 510 का जो एक्चुअल बैटरी बैकअप दिया गया है वो 20 आवर्स का दिया है, बट एक्चुअली 20 आवर्स नहीं है, ये 10 आवर्स आपको बैटरी बैकअप
दे सकता है। मतलब आप अगर हायर वॉल्यूम पे रखोगे तो डेफिनेटली आपको ये आराम से 7 to 8 hours का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर सकता है। एंड बोट 550 के बारे में बात करें तो ये आपको लगभग 20 hours का बैटरी बैकअप आराम से दे देगा। 18 घंटे आप बोल सकते हो आराम से ये वहाँ पे आपको बैटरी बैकअप दे दे। तो डेफिनेटली आपको बैटरी बैकअप में ऊपर नीचे यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड उसके साथ साथ अगर हम चार्जिंग के बारे में बात करें तो इसको लगभग आपको 2 hours के आसपास लगता है, 1.5 hours या फिर 2 hours के आसपास इसको थोड़ा सा देर लगता है फुल चार्ज करने में। आपको लगभग 2 to 2.5 hours तक ये लग सकता है फुल चार्ज करने में। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे आपको मिलता है। उसके साथ दोनों में भी आपको सीरी एंड गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है। सिर्फ आपको बोलना है यहाँ पे ओके गूगल या फिर हे सीरी, डायरेक्टली जो है जो गूगल असिस्टेंट वगैरह होता है वो मोबाइल में आपके स्टार्ट हो जाए। और उसके साथ दोस्तों दोनों में भी आपको 50mm के ड्राइवर्स मिलते हैं। तो सेम म्यूजिक क्वालिटी ऐसे नहीं बोलूंगा, वो तो हम देख ही लेंगे म्यूजिक क्वालिटी के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों म्यूजिक क्वालिटी के बारे में, तो म्यूजिक क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि भाई हेडफोन तो म्यूजिक क्वालिटी के लिए तो लेते हैं। तो इसमें ये जो ट्रिकेस्ट पार्ट है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बोट 510 जो आपको दिख रहा है ये बहुत ही बेहतरीन है म्यूजिक क्वालिटी के बारे में। लेकिन अगर आप एक म्यूजिक क्वालिटी भी चाहिए और आपको एक वो जो कुशन फील होता है या फिर एक प्रीमियमनेस होता है वो चाहिए, तो भाई आप बोट 550 के साथ जा सकते हो। जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं गाने जो सुनता हूँ वो दो टाइप के गाने सुनता हूँ। एक में जो बहुत ही ज़्यादा बेस होता है, बीट्स होते हैं, वो गाने में सुनता हूँ, और दूसरे साथ जो साइलेंट मतलब इतना ज़्यादा बीट नहीं होता, एक नॉर्मल सॉन्ग जो होता है अरिजीत सिंह वाले गाने, वो गाने अगर आप सुनोगे तो एक समझ में आएगा बीट्स एंड एक्स्ट्रा बेस अगर चाहिए तो भाई ये ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर आपको एक नॉर्मल बेस, एक जो नॉर्मल ट्रेबल्स वगैरह होते हैं, कंट्रोल ट्रेबल जो होते हैं वो चाहिए, तो भाई ये ले लो, आपको साइलेंट सॉन्ग सुनना पसंद है या फिर कभी कभी बीट्स वाले गाने, बेस वाले गाने सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है तो भाई ये ले लो, आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा बोट 550। और अगर हम गेमिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, दोनों में आपको बराबर की जो है लेटेंसी देखने को मिलती है। इतनी नहीं है, मैं बोल सकता हूँ एक 30 milliseconds के आसपास कुछ, तो मतलब अभी आपने गोली चलाई तो एक थोड़ा सा देर लगता है जो साउंड है वो जाने में, क्योंकि ब्लूटूथ हेडफोन में वो आपको देखने को मिलती है लेटेंसी, हर एक ब्लूटूथ हेडफोन में आपको देखने को मिलती है और सेम ही लेटेंसी दोनों में आपको मिलती है। और अगर BGM में आप खेल रहे हो तो ये जो है ये आसानी से वो जो है मतलब अगर इस साइड से आपको गोलियां चल रही है या फिर इस साइड से गोलियां चल रही है तो ये अच्छी तरीके से कैप्चर करता है। मतलब आपको समझ में आता है कि भाई यहाँ से गोलियां चल रही है, यहाँ से गोली चल रही है, लेकिन यहाँ से मतलब वो सराउंडिंग साउंड जो होता है वो नहीं आता, ऐसा लगता है कि भाई कहीं से तो गोलियां चल रही, ऐसे बोट 510 में लगता है। लेकिन इसमें आपको वो गेमिंग वाली फील आती है, तो आप डेफिनेटली अगर आपको एक ऐसा हेडफोन चाहिए जो कि डिज़ाइन में काफ़ी बढ़िया है, थोड़ी सी म्यूजिक क्वालिटी भी अच्छी खासी है, सॉफ्टनेस काफ़ी बढ़िया है, और गेमिंग के लिए भी जो अगर आप बात करें गेमिंग फील वाला हेडफोन चाहिए तो भाई ये ले सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। लेकिन अगर आपको एक बहुत ही ज़्यादा बेस चाहिए, म्यूज़िक क्वालिटी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गेमिंग के अलावा, तो भाई आप बोट 510 के साथ जा सकते हो। अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो ये लगभग आपको 2000 के आसपास आता है, 2000 या फिर 1800 के आसपास। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो 1500 या फिर 1600 के आसपास आपको Amazon या फिर Flipkart के ऊपर मिल जाएगा। मैं नीचे दोनों की भी लिंक डाल दूँगा, डायरेक्टली आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हो। तो ये जो कंपेरिजन था, काफ़ी बार लोग मुझे पूछते हैं वीडियो में, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, तो इससे आपको एक क्लैरिफिकेशन पूरा मिल चुका होगा। तो दोस्तों यही कुछ एक वीडियो था, अगर कंपैरिजन वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इंस्टाग्राम के ऊपर प्लीज़ फॉलो कर दो, क्योंकि यहाँ पे 20K होने वाले हैं, वहाँ पे भाई 1000 अभी नहीं हुए तो अच्छा नहीं दिखता, तो जल्दी जल्दी जाके वहाँ पे फॉलो करना मत भूलना।